जय माता। बच्चों, आज हम वितान पाठ के चौथा पाठ डायरी के पन्ने, जिसको कि एक लड़की एन फ्रैंक ने बड़े ही सुंदर तरीके से डायरी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त लिखा था, उसको उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले ये समझना जरूरी है कि डायरी होती क्या। बच्चों, जब हम सुबह आंख खुलने से और आंख बंद होने तक, यानी सोने के समय तक, रात को बैठकर पूरे दिन की दिनचर्या को लिपिबद्ध करते हैं, तो उसे कहा जाता है डायरी लेखन। ये अत्यंत निजी प्रमाण होता है, इसको देखने की इजाजत किसी को नहीं होती, पढ़ने की। ये निजी होने के कारण इसको कहीं पर भी आप कोर्ट तक में भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक निजता का कानून होता है, उसके तहत आता है। तो इस कहानी में मुख्य पात्र एन फ्रैंक है, उसकी गुड़िया है किट्टी, जिसको संबोधित कर उसने अपने अकेलेपन को दूर किया है। छोटी लड़की है, मनभाव में सौंदर्य चित्रण लेकर उसने अपने मनभाव को इस गुड़िया के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके माता पिता हैं, उसके एक बहन है मार्गोट, उसके पिताजी की दोस्त हैं, तथा उनका लड़का पीटर है, तथा उनके पिताजी के ऑफिस में काम करने वाले रसेल जी हैं। इस प्रकार से ये सारे पात्र इस पूरी डायरी के पन्ने में शामिल हैं। ये कहानी 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त की है, जब हिटलर का आतंक, जैसे आज कोरोना का आतंक है, उसी प्रकार से हिटलर का आतंक पूरे विश्व में छाया हुआ था। हिटलर ऐसा तानाशाह था जिसने समस्त समाज को एक अंधे कुएं में ढकेलने की कोशिश की थी, जिसने अपनी क्रूरता से संपूर्ण समाज के हर पहलू को हिला के रख दिया था। लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है, धैर्य कभी हारता नहीं है, और विश्व मित्र सेनाओं के बदौलत आज हम आजाद हो चुके। जर्मनी का यह अडोल्फ हिटलर विश्व के क्रूरतम शासकों में से एक था। वैसे बहुत डरपोक था, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें नहीं जाना है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि यह कहानी, यह डायरी एक छोटी सी लड़की एन फ्रैंक द्वारा अपनी गुड़िया के नाम किट्टी को लेकर उसने ये पूरी डायरियां, हर दिन एक पृष्ठ लिखा है, जिसको लिपिबद्ध कर ब्रिटिश सरकार ने इसको छापा है। सन 1942 का जब युद्ध छिड़ा था, तो सबसे ज्यादा अगर किसी कौम को, किसी जाति को परेशानियां झेलनी पड़ी, तो वो थी यहूदी। एन फ्रैंक भी यहूदी थी। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था, यातना शिविर लगाए जाते थे, जहां पर स्वयं उनको बुलाया जाता था कहकर कि आपको उनमें शामिल होना है। एनएसएस करके एक यूनिट बनाई हुई थी, वो क्रमबद्ध तरीके से लोगों को बुलाती थी, और उन यातना शिविर में इनको बुलाकर फिर इनको विभिन्न प्रकार की बीभत्स यातनाएं देकर मार दिया जाता। यातना इतनी विभत्स होती थी कि छोटे छोटे कमरों में हजारों आदमी घुसेड़ दिए जाते थे, और जिसमें कहीं भी कोई एक भी सुराख नहीं होता था हवा के आने का, लोग दम घुट के मर जाते थे। प्रेस से जलाया जाता था, बिजली के तारों से जलाया जाता था, भूखे कुत्ते भेड़ियों के आगे लोगों को छोड़ दिया जाता था। यहां तक
गर्भवती महिलाओं के पेट में से बच्चों को मार के निकाल दिया जाता। क्रूरता की हद इस युद्ध में हिटलर के नाजियों ने फैला रखी थी। नाजियों ने हद तक आतंक फैला रखा था। इस कहानी में दिखाया गया है कि ये भी यहूदी परिवार है, छोटी सी लड़की है, इसको पता लगता रहता था कि क्या चल रहा है, कौन सा परिवार आज गली का गया है, एनएसएस के द्वारा बुलाए गए, तो ये हमेशा घबराते रहते थे। इनके पिताजी के भी पास एक दिन ये लोग बैठे हुए थे, ये अपनी एंग फ्रेंक जो है अपनी डायरी लिख रही थी, तभी इसके पापा के पास एक आदेश आया एनएसएस के द्वारा कि अब आपको यातना शिविर में जाना हो। ये सुनते ही इनकी रूह कांप गई, सब डर गए बुरी तरीके से, क्या करें। तो मम्मी पापा एक डेट दी थी कि इसमें आपको पहुंचना है, तो इनके मम्मी पापा बहन और पीटर और उसके माता पिता सब ने चुपचाप धीमे धीमे कर अपने घर का जो जरूरत सामान था उसे अपने जहां ये व्यापार करते थे जो ऑफिस था उसके तहखाने में जमा करना शुरू किया। और एक दिन अपने सब लोग वहां से निकलकर चुपचाप और जाकर रसेल जी के साथ उस तहखाने में जाकर छुप गए। प्रतिदिन डर क्या होता है इस लड़की ने देखा है। छोटी सी लड़की जिसको कि अपने बालपन में आनंद में खेलना चाहिए, वो डरती थी कि आज कुछ होगा, आज पकड़ ले जाएंगे, आज मार दिए जाएंगे, आज मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर हो जाएंगे, मुझे ले जाएंगे, आज हम सबको मार दिया जाएगा, ये सोच सोच के घबराया करती थी। ये लड़की परेशान रहती थी बुरी तरीके से और अपनी मनोभाव, क्योंकि सब लोग इससे बड़ी उम्र के थे तो बच्चा किससे कहे, वैसे ही सब लोग परेशान रहते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था, तो ये इससे कौन बात करे, इसकी हम उम्र का कोई नहीं था। तो ये अपनी मनोभाव को डायरी में लिखा करती थी। तभी एक उस वक्त तो रेडियो में प्रसारित हुआ कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से था कि जो लोग कुछ भी अगर लिखना जानते हैं तो वो लिखें, जिससे कि जब युद्ध समाप्त होगा तो उसे प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी सारी चीजें फ्रैंक भी लिख रही थी, उसके मम्मी पापा भी देखते थे। बच्ची दिन प्रतिदिन परेशान रहती थी क्योंकि जिस तहखाने में रहते थे वहां बिल्कुल अंधेरा छाया रहता था, अगर लाइट करेंगे या लोगों को पुलिस को पता लग गए एनएसएस वालों को तो वो उनको पकड़ ले जाएंगे। 2 साल उसने उसी कमरे में निकाले, रहने को खाने को सीमित थी। एक दिन इसका जन्मदिन मनाया गया, वो भी क्योंकि बिटिया थी छोटी थी, इसका जन्मदिन मनाया और सबने बस छोटे मोटे सामान उसको देकर उसको खुश किया, क्योंकि बच्ची थी उसके साथ। पीटर जो था वो उससे बात नहीं करता था, लड़का था वो, लड़कों के रूप में रहता था, क्योंकि सामाजिक मानसिकता है ना कि महिला लड़कियां और लड़कों में फर्क होता है। इस कहानी में भी एन फ्रैंक को बेचारी को बहुत दर्द इस तरीके का झेलने को मिला है, वो परेशान रहती थी। तभी एक दिन अचानक क्या हुआ, पापा और वो सब लोग बैठे थे कि जो ऑफिस था उसमें नीचे तहखाने में एकदम से आवाज आई, किसी ने कुछ दीवार तोड़ने की कोशिश की। दौड़ के इसके पापा नीचे और अजरसेल अंकल नीचे पहुंचे, उन्होंने अनदेखा कि चोर, क्योंकि जब कोई विभीषिका घटती है तो सबसे ज्यादा असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, वो लूटपाट करने लगते हैं, क्योंकि जगह खाली होती है, सुनसान होती है, पुलिस वगैरह का कोई डर होता नहीं है, तो वो जो जगह खाली होती है वहां पे चोरी चमाटी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चोर वहां ऑफिस में जो दरवाजे थे उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वो अंदर ही से फिर वो लोग चिल्लाए पुलिस पुलिस, तो वो चोर डर के भाग गए। फिर उन्होंने उस जो दरवाजे को दोबारा से ढंग से बंद किया जिससे कि किसी प्रकार से कोई लाइट बाहर ना जा सके, वो वहीं पे रहने लगे। एन फ्रैंक जो थी बुरी तरीके से डर गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम लोगों को मार दिया जाएगा, और इस प्रकार वो बुरी तरीके से परेशान होकर लिखती है। फिर वो मन अपने मन के भाव को भी लिखती है कि समाज में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये उसके मनभाव में वो कहती है कि हमारे समाज में महिलाओं को केवल उपभोग की चीज माना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं अपना सौंदर्य, अपना आकर्षण, अपना सब कुछ देकर भी समाज को बहुत बड़ा योगदान देती हैं, लेकिन ये पुरुष
जो होते हैं ये लोग जो होते हैं ये महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करते। वो कहती है महिलाओं को भी उसी प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार से देश में एक सैनिक को सम्मान मिलता है। सैनिक सीमा पे खड़े होकर जिस तरीके से लड़ता है, महिलाएं भी अपने समाज में रह के समाज को सुसंस्कृत और समाज में को आगे बढ़ाने को लेकर हमेशा तैयार रहती हैं। इसलिए जो सैनिक सीमा पे खड़ा है वो कहीं ना कहीं किसी महिला के योगदान से एक इतनी ऊंचाइयों को छू पाता है। इसलिए वो चाहती थी कि महिलाओं को भी समाज में पूरा आदर मिले, ये उसके मन के भाव थे। बार बार अपनी कहानी में वो अपनी छोटी सी अपनी मित्र यानी किट्टी, एक किट्टी यानी उसकी गुड़िया जो बोल नहीं सकती है उसको संबोधित कर ये पूरी की पूरी कहानी डायरी लिखती है। उसके मनोभाव का सुंदर, उसके बालपन का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। और 1942 में जब ये युद्ध पूरे चरम पे पहुंच चुका था तब यह लड़की 2 साल तक उस अपने माँ बाप के साथ उसमें रही और अंत किसी चीज का भी बहुत खराब होता है। इस बेचारी बिटिया का, छोटी सी सोच का, छोटी सी नन्ही गुड़िया का भी अंत बुरा हुआ। अंत में एक दिन NSA वालों ने इन्हें ढूंढ लिया, इन सब को ले जाकर यातना शिविर में किया और ये लड़की उन्हीं यातना शिविर में समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि सोच को कैसे आदमी को मारा जा सकता है, उसके क्रिया कला उसके काम को नहीं मारा जा सकता। इसके पिता जीवित रह गए कैसे भी, उन्होंने फिर ये दस्तावेज छपाए और इस तरीके से आज एक सुंदर डायरी के पन्ने नाम की एक सुंदर लेख हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए और समाज में क्या होना चाहिए, कैसे सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, वो इसमें दिखाया गया। और अंत में मैं बस यही पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि यत्र नारियस पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की सम्मान की बात होगी, उन्हें पूजा जाएगा, वहीं सब सौंदर्य उपस्थित होगा। धन्यवाद।